हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में, जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो के बाद पुरानी हो जाएगी। इस बार मैं सारा सामान लेकर बैठा हूँ गाइस, देख लो पहले ही आप, सब कुछ है भाई। क्योंकि मैं इस बार नहीं चाहता भाई कि मेरा प्रोजेक्ट बीच में रुके, और जो भी मेरी वीडियोज़ पर नए हैं भाई, वो इसकी पुरानी वाली वीडियो देखा जिसमें मैं टाउन हॉल की बिगिनिंग कर रहा था। और अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ कि अपना टाउन हॉल कम्प्लीट कर दूँ। पूरा सामान लेकर बैठा हूँ इस बार भाई, बिल्कुल भी बीच में अपना प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए इस बार। चलो स्लैब लैब अब पूरी तरीके से बना कर बैठा हूँ, स्लैब लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। मिलता हूँ आपसे स्लैब लगाने के बाद 2 मिनट में। तो स्लैब लग चुके हैं गाइज, अपना फ्लोर बन के हो चुका है रेडी पूरी तरीके से। अब जल्दी से चलते हैं, रूफ डिज़ाइन करते हैं फटाफट से। बस रूफ बनाना शुरू करते हैं। किस तरफ से करें शुरू? आगे से करते हैं, फ्रंट से करते हैं। चलो, क्योंकि फ्रंट दिखाने में ही सही रहता है ना, इसीलिए फ्रंट से करेंगे। एक सेकंड में स्टोन कटर लगा लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि फिर क्या पता स्लैब कम पड़े ज़्यादा पड़े, इसलिए हम हैंड टू हैंड बनाएंगे और लगाएंगे मस्त। तो भाई कोई चीज़ ज़्यादा नहीं लगी, कोई चीज़ कम नहीं लगी भाई, जो चीज़ कम लगी वो बना लेंगे, जो चीज़ है ना सही रहता है, हिसाब रहता है बढ़िया। चलो लगाना शुरू करते हैं इसको। मैं इस पैटर्न से लगाऊंगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इसको ना मैं ट्रायंगल शेप दूंगा ऐसे करके, इस साइड से बनाऊंगा, फिर दूसरी साइड से बनाऊंगा, और एक ट्रायंगल शेप बनेगा बढ़िया। तो कर लेता हूँ मैं, और मिलता हूँ आपको करने के बाद। तो गाइस हो चुका है ये, देखो तो भाई देख लो, कुछ ऐसा लुक आ रहा है बढ़िया सा। अब यही चीज़ हमें पीछे के साइड भी बनानी है, तो चल के फटाफट से बना लेते हैं, और क्या जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो बन गया है गाइस, ये देखो आगे का और पीछे का दोनों का बन चुका है। अब फटाफट ना, अब इसकी जो खाली ढक्कन सा लग रहा है इसको भी फटाफट ढक देते हैं, है ना, जल्दी जल्दी इसको ढक ले। एक सेकेंड, ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, फिर भी जल्दी। ओहो, तो गाइस जल्दी का काम शैतान का है भाई, तो जल्दी मत करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भागे नहीं जा रहा है। चलो कंप्लीट कर लेते इसको फटाफट, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करना सही नहीं है, फटाफट कर लेते इसको कंप्लीट। कंप्लीट हो गया गाइस, लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस ये देखो, अब बीच में ना स्टेट्स लगानी है अपन लोग को, बीच में स्टेट्स लगानी है, और स्टेट्स नहीं है मेरे पास, और इतने से हो जाएगा जहाँ तक है मेरा काम। एक स्टेट्स लगा लेते हैं यहाँ फिलहाल के लिए, अभी सपोर्ट के लिए, कि हम इसको ऐसे इस एंगल में लगा पा। बहुत बढ़िया लग गई, बस इसी एंगल में लगानी थी हमको। अब इसको ऐसे करके दूसरी एज तक ले जाना है, फटाफट कर लेते हैं ये भी, मिलते हैं आपको ये करने के बाद। तो गाइस बन के रेडी हो चुका है पूरी तरीके से, बस अब अपना थोड़ा सा काम रह गया है रूफ का, तो पूरा कंप्लीट है, बस थोड़ा सा काम रह गया है, फटाफट चलते हैं ना जल्दी से। अब हम ना थोड़ा वो लेकर आ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, नाम क्या है उसका, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, डीप स्लेट लेकर के आ जाते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड, कौन सी इस पर रखा, एक सेकंड, यहाँ क्यों देख रहा हूँ, डीप स्लेट यहाँ होगा भाई, इसमें है, हाँ ये रहा। चलो अब इसकी, एक सेकंड स्टोन कटर निकाल लेता हूँ सबसे पहले, तो स्टोन कटर लगा दिया यहाँ पर, जल्दी बनाते हैं 4 स्टेयर। इसकी भाई, इसकी स्टेयर्स बनानी है तो आ गए हैं। अब इन स्टेयर को कहाँ लगाना है वो मैं बता दूँ आपको पहले ही, इनको लगाना है यहाँ पर इसकी एच पे, एकदम टॉप पर, यहाँ पर
और इसको कुछ इस प्रकार से लगाना है, इस एंगल से। ये देख रहे हो, थोड़ा पैटर्न सा बन रहा है, बस यही पैटर्न बनाना है अपन को। अब यही सेम काम हमें इस साइड भी करना है, ये कर देते हैं हम जल्दी से, 2 मिनट का काम है। अरे भाई ये मकड़ी कहाँ से आ रही है? अच्छा हाँ, मकड़ी तो दिन में कुछ नहीं करती, तो हम भी इसे कुछ नहीं करेंगे, वरना दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं होती है। गाजर खा लेते हैं, फूल बार थोड़ा सा कम होते हुए चलते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पे ना अब इसको ढक देते हैं एक सेकंड में, ये मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है करते हुए। इसको यहाँ से लगा देते हैं, चलो नीचे पकड़ते हैं इसको ना, यहाँ से ढकना चालू करते हैं। अरे भाई वाह, नहीं नहीं मैंने इस मैं इसलिए चढ़ा था वहाँ पर कि तुम लोग मुझे गिरा दो। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने मुझे परेशान कर दिया था, थोड़ा हम भी कर लेते हैं। जलो 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 जलो, तंदूरी ज़ॉम्बी, तंदूरी स्केल्टन, 10 रुपये प्लेट, 10 रुपये प्लेट, 10 रुपये प्लेट, जिसको चाहिए ले लो भाई। लेकिन भाई ये स्केल्टन को तो सही से परेशान करूँगा, रुको नहीं मारूँ कि मेरी ही एक्स की मार खा के चलेगा। रुको ये गया, मतलब मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए भाई, मैं बहुत खतरनाक। एक सेकंड, ये एक और स्केल्टन को दुख हुआ है, रुको इसको इसको गोलम से पिटवाना, इसका हिसाब अलग से लेंगे। कोई बात नहीं, अब देखना क्या हुआ। ये हुई हजामत, ये देखो भाई, बोल रहा हूँ तुमको भाई मुझसे पंगा मत लो, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। कोई बात नहीं भाई, मानती नहीं, एक स्केल्टन हो रहे अंदर, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन एक सेकंड, ये ना ऐसे और पैदा होते रहेंगे, पहले टॉर्चिंग कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ी बहुत मार पड़ेगी लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे भाई, सह लेंगे थोड़ा। अरे भाई इतना भी मत मारो भाई कि ना सह पाऊँ। अब भाई तुमने गोलम को छेड़ दिया है, अब चलो भाई गोलम तुम्हें छेड़ेगा। ये मैंने सीढ़ी क्यों लगाई है आपको पता लगेगा अभी देखना। अब देख, गोलम से पंगा नहीं लेना था भाई, अब हजामत होगी, बढ़िया हो गई। डाकी टिकी हो गई ना जी, देखा ये हमारे इलाके का बॉब है, ये समझ लो तुम। अब गोलम का नाम बॉब रखना पड़ेगा, गोलम नहीं, किसी को भी खोल दो बस, इसको छेड़ दो तुम बस। और फटाफट ना इसको फटाफट आगे से भी ढक देते हैं, वरना फिर ऐसे खुला खुला लगेगा अजीब। इसको ढक लेते हैं, एक सेकेंड, ये लगेगी स्लैब, यहाँ पर लगेगा प्लैंक, फिर से स्लैब, प्लैंक, स्लैब, प्लैंक। अब ऐसे ही करके मुझे पूरा फिल करना, तो मैं आपको मिलता हूँ इसको फिल करने के बाद। तो गाइस हो चुका है, लगभग हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया ये कि यहाँ पर ना मैं नीचे गिर गया था थोड़ा, और फिर नीचे रात में ज़ॉम्बी ने परेशान कर दिया था मेरे को, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इस चीज़ में। तो कोई बात नहीं, पानी ले लेते हैं वापस जल्दी से। ये देखो फ्रंट बन के रेडी हो चुका है, अब सेम चीज़ ना बैक में भी बनानी है, बैक में भी बनानी है, तो चलते हैं बैक पे बनाते हैं। और क्या रुकना किस बात के लिए, ये इसको देखो भाई एंडरमैन को पीछे। तो गाइस बनके हो चुका है रेडी, अभी तो लगभग काम हो चुका है, गिन लेते हैं पहले कि मुझे ना स्टेयर्स कहाँ पर लगानी है। स्टेयर्स एकदम मिडल में लगाएंगे ना, तो यहाँ पर पहले से लगा देते हैं, बाद में इसको एडजस्ट कर देंगे सही से, अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही लगा देते हैं। तो चलते हैं, एक सेकेंड, चलते हैं अपन लोग, सो जाते हैं, रात में काम करना अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं, एक सेकेंड, वो कहाँ पर रखा है यार, के ये सबसे पहले ना जो कांच है मेरा, इसको ना वो कर लेते हैं अपन लोग, पर्पल ग्लास बना लेते हैं, पहले इसकी बना लेते हैं डाई। सबसे पहले इसकी डाई बना लेते हैं, और फिर इसकी भी बना लेते हैं डाई। अब इन दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे पर्पल डाई, पर्पल डाई से बनाएंगे अपन लोग कांच।
कांच बोले तो ग्लासेस। हाँ यार मैं बार बार कांच ही बोल देता हूँ क्योंकि मुझे कांच बोलने की आदत हो गई है ग्लास को। भी क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा कम पड़ रहा है यार अपन पास पर पड़ रहा है। तो ब्लू फूल ले आए हैं हम लोग, ब्लू फूल, वाह ब्लू फ्लावर यार। मतलब मैं इतना कंफ्यूज हूँ मुझे पता ही नहीं है खुद। चलो कोई नहीं, अपन लोग का बन चुका है, अब लगभग काम तो हो ही गया है। अब बस ये ग्लासेस जाकर मेरे को लगाने हैं, उसके बाद थोड़ा सा काम रह जाएगा, फिर अपन का कंप्लीट है लगभग सारा काम। थोड़ा सा और ढूंढ ले क्या, तो चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। कांच लेकर आ चुके हैं अपन लोग, अब लगाना शुरू करते हैं इसको जल्दी जल्दी, यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। एक दो तीन, अरे यार नहीं, गलत कर दिया, मेरे 3 ग्लासेस वेस्ट हो जाएंगे यार। ग्लास बोलूँ के कांच बोलूँ, ग्लास बोलूँ के कांच बोलूँ, यार कमेंट में बताओ गाइस क्या बोलना सही रहेगा। वैसे मेरे को कांच बोलने की ही आदत है, मैं ग्लास नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ग्लास मैंने लगा दिया है, पूरा फ्रंट में आगे ग्लास रहेगा। रुको एक सेकेंड, पहले मैं इसका थोड़ा प्लेटफॉर्म आगे कर देता हूँ और फिर लगाऊंगा ग्लास, फिर इस प्लैंक को तोड़ दूंगा। जल्दी चलते हैं, इसको तोड़ लेते हैं पहले आराम से, ये टूटी हड्डी। तो ऐसे ये देखो कैसा लग रहा है लुक आपको, कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ जल्दी से, कैसा लग रहा है आपको लुक। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कसम से। थोड़ा सा आयरन ले लेते हैं, आयरन कहाँ पर है, एक सेकेंड। अब भाई सब कुछ बन के रेडी हो गया है, अगर टाउन हॉल में गेट ना हो तो भाई फिर टाउन हॉल तो अधूरा अधूरा लगेगा ही ना। तो गेट बना लेते हैं, आयरन डोर बनाएंगे अपन लोग। 3 बनते हैं क्या एक बार में ही, दो नहीं बन सकते क्या, गद्दारी कर बे। चलो कोई बात नहीं, प्रेशर प्लेट भी बना लेते हैं 2, पर नहीं मैं तो एक बनाऊंगा पहले फिर एक बनाऊंगा, टाइम भी तो वेस्ट होना चाहिए ना। चलो बटन भी बना लेते हैं, और बटन भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा जैसे मैंने प्रेशर प्लेट बनाई थी। चलो 2 बटन बन गए, 2 प्रेशर प्लेट। ओके अब लगा लेते हैं फटाफट से इसे यहाँ पे। ये ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, मैं इसमें कुछ, ये मैं कम ले आया, मेरे को लग रहा था, मेरे को लग ही रहा था कि मैं कम ले आया हूँ, पर कोई बात नहीं दोबारा ले आएंगे क्योंकि इस बार अपने पास सामान की कमी नहीं है। चलो लेकर आते हैं, लेकिन एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वापस चलो वापस चलो, पहले गेट लगा देते हैं, पहले गेट लगा देते हैं। एक सेकेंड, प्रेशर प्लेट कहाँ है, पहले प्रेशर प्लेट लगा, नहीं लेकिन एक सेकेंड, गेट फिर खुले हुए माउंट होंगे, फिर पहले गेट लगाते हैं। ओ भाई भाई फर्स्ट टाइम पहली बार में गेट सही लग गया भाई, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैंने सच में कितना ज़्यादा ट्राई किया भाई अपने इस वर्ल्ड में, पर भाई लगता ही नहीं था भाई, पहली बार ही मैं लग गया इस बार। तो चलो कोई नहीं, इनको थोड़ा सा खाना भी खिला देते हैं, बेचारे भूखे पड़े हैं इतने टाइम से। मतलब जब से मैंने इनको यहाँ पर रखा है ना तब से मैंने इनको दिया ही नहीं भाई गाजर, ढकेलते हैं भाई ये मेरे को ही ढकेल देते हैं, देखो ऐसा लग रहा है तेल डालेंगे। कोई नहीं, अरे नहीं बस भाई कितना खाओगे, चलो जाने दो भाई थोड़ा टाइम को भी करते हैं लोग। चलो चल दे अपन लोग अब फटाफट से ना, ये जो खेत हमारी, जो हमारे खेत में जो प्यारी प्यारी फसलें हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं सारी। गाजर है, इतनी सारी गाजर है कि भाई बंदा खा खा कर घूमता है, लेकिन गाजर खत्म हो गया। और क्या चाहिए भाई, फूड की तो अपने पास अब कमी नहीं है, मतलब तो अपने पास अच्छा सा फूड फार्म है, बढ़िया सा तगड़ा चल रहा है क्या, मतलब अब मैं, मेरी पालतू दुनिया में भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मतलब
खाली नाम ही फालतू तो नहीं आया भाई। यो एक बात बता दूँ तुम्हें, कोई नहीं, तो सबसे पहले लगा देते हैं फसल अपनी, कर देते हैं कंप्लीट। चलो भाई अब थोड़ी सी बात रह गई है, अब रह क्या गया है, लगाना रह गया मेरा, दो चीज़ें रह गई हैं। रुको पहले तो ना इनको, ये जो बची हुई चीज है पहले ये खिला देते, ये भी बेचारे जलन खा रहे हैं, पूरी जल रहे होंगे अंदर, देखो गाय तो काली भी हो गई, काली सफ़ेद हो रही है जलन के मारे। कोई बात नहीं चलते हैं, मैं यहाँ पर आया क्यों था वैसे, एक सेकंड। हाँ इसकी वो ले, ये मैं रख के चला गया था। चलो अब बटन लगा देते हैं। अब ये सोचो ना, मैंने अंदर से प्रेशर प्लेट तो लगा दी अंदर से बाहर आने के लिए, अब बाहर से अंदर नहीं जाना क्या, तो उसके लिए तो हमें यही लगानी पड़ेगी ना। अगर इसे एक सेकंड इसको यहाँ पर लगाते हैं, अब ये लगा दिए बटन और हमारा टाउन हॉल बन के मिल चुका है रेडी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें अपने सभी माइनक्राफ्ट फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।